गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अगर जस्ट एक बार मुझे थम्स अप दीजिए। हेलो हेलो, यस ओके, थैंक यू थैंक यू गाइस। कहाँ कहाँ से जुड़े हैं सब बताइए। और है होली की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली, हैप्पी होली टू एवरीवन। वडोदरा, दिल्ली, I'm from India, Noida, yes. गांधीनगर, गुजरात, हैप्पी होली शांतनु। सूरत, हैप्पी होली अंग्रेज। वेस्ट बंगाल, ओके, जबलपुर, हैप्पी होली गुजरात, ओके, हैप्पी होली इन एडवांस, यस मैम। गुड़गांव, मनीष, ओके ओके, तरुण, पुणे, हैप्पी होली एवरीवन। शिमला, ओके, गुड गाइस। थैंक यू गाइस। तो मैं जस्ट पहले यहाँ पर इसलिए पूछा क्योंकि किस किन किन को पता है हमारा दिल्ली में मीटअप होने वाला है। मैंने एक अनाउंस किया था, एक वीडियो, अब उस वीडियो को हटा दिया क्योंकि ये ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। इसलिए मैंने उसको हटा दिया है क्योंकि मैं ज्यादा नहीं, अगर उसमें कुछ सीट अवेलेबल है, और वहां पर आज भी कुछ आपके साथ यहाँ पर अनाउंसमेंट भी करना चाहूंगा क्योंकि मैंने टिकमिल के साथ कुछ कोलेबोरेशन किया है ताकि आपको वहां पर कुछ अवार्ड भी मिल सके, तो उसके बारे में भी आपके साथ यहाँ पर मैं बताऊँ। ठीक है, प्रियंका फ्रॉम दिल्ली, ओके। सो अगर आप दिल्ली में हैं और जो हमारा इवेंट है उसके बारे में मैं बताऊंगा, तो अभी चलते हैं। पहले तो मैं बाकी चीजों के बारे में बात करता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में जो भी हम यहाँ पर बात करेंगे, तो जिन्होंने भी रजिस्टर किया अभी आते हैं हम इस बात पर, ठीक है, जो भी रजिस्टर किया है। ओके, हैप्पी होली, थैंक यू। तो यहाँ पर जो भी बात करेंगे, हमारा ये 4 वेबिनार की सीरीज है गाइस। तो मार्च की भी हम, ये पहला वेबिनार है, हर मंडे को 9 PM आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ बाय जूम कॉल। और लिंक मैं अपने यूट्यूब जो चैनल है वहां पर पोस्ट पे भी शेयर करता हूँ, टेलीग्राम और अपने इंस्टाग्राम पर, अगर आप वहां पर कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक 4 वेबिनार की सीरीज है जहाँ पर हम आपके क्वेश्चन, कोई डाउट हो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आप पहली बार जुड़े हैं, या कुछ लाइव मार्केट हम देख सकते हैं, कुछ सेटअप, आपके एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो भी हो, विनिंग ट्रेड हो, लूजिंग ट्रेड हो, किसी ने कोई ट्रेड लिया है आज, विन में गया हो, लूज में गया हो, बताइए अगर किस ट्रेड में आपने लिया है, प्लस में है, माइनस में, प्रॉफिट में है या लॉस में है। ओके आलोकराज, मैं आता हूँ उस टॉपिक पर जब वो दिल्ली मीटअप है, थोड़ी और डिटेल आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो प्रॉफिट में रहे, लॉस में रहे, किसी ने कोई ट्रेड लिया है आज, अगर कोई ट्रेड करे अब हम राजस्थान, ओके, $78 प्रॉफिट प्लान, MAE, एमई एमई। चलिए, मुझे कुछ चैट में दिख नहीं रहा प्रॉफिट और लॉस के लिए, ओके। यहाँ पर जस्ट गाइस टिकमिल के लिए बताना चाहूंगा, मैं यूज करता हूँ टिकमिल को, तो जस्ट उसके साथ हम ये वेबिनार कर रहे हैं, तो उसके बारे में जस्ट थोड़ा यहाँ पर बताना चाहूंगा। दो अकाउंट हैं, प्रो क्लासिक, प्रो अकाउंट बहुत ही अच्छा है जहां पर आपका कमीशन $2 पर साइड, मतलब कि $4 मैक्सिमम आप पे करेंगे, किसी और ब्रोकर से आप कंपेयर कर सकते हैं, इतना लो कमीशन आपको किसी और ब्रोकर में नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो आप डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं, तो डिपॉजिट के काफी मेथड्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्मार्ट इंडिया पे और क्रिप्टो करेंसी। अभी इन्होंने रिसेंटली जो अभी टेस्टिंग इनकी चल रही थी, UPI इन्होंने भी ऐड कर दिया है जो कि आज से अवेलेबल है, आप UPI के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉल आपका ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर से हो सकता है, तो जो कि वीकली हो सकता है। तो $100 मिनिमम है, आप UPI से यूज कर सकते हैं और आपको अच्छा रेट, कन्वर्जन रेट यहाँ पर मिलेगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो पूछ रहे थे UPI कब तक आएगा, तो UPI अब इनका आ चुका है। और जो क्रिप्टो में भी यूज करना चाहें तो TRC20 है, और विड्रॉल के मेथड्स, सभी मेथड्स अवेलेबल हैं इंडिया के लिए, आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर यूज कर सकते हैं जो कन्वीनियंट है। और अब मैं बात करना चाहूंगा दिल्ली मीटअप के लिए, जो मैं यहाँ पर कुछ अपडेट आपको देना चाहूंगा, जिन्होंने भी रजिस्टर्ड किया है, साइनअप किया, मैंने उनको ईमेल वैसे भेज दी है सॉरी। और मैं उसका एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊंगा, अभी हमारा जो वेन्यू है वो फाइनल हो रहा है, डेट्स भी आ जाएंगी जल्द ही। तो जो हमारा यहाँ पर इवेंट है, तो किसी भी संडे को हो सकता है, वो 19 मार्च या 26 मार्च या 2 अप्रैल, ये 3 है जो हमारे अभी प्लान है। और जब भी ये फाइनल होगा, आपको 1 वीक एडवांस में आपको बताया जाएगा, डेट विल बी फाइनलाइज। सो आपको 1 वीक पहले बता दिया जाएगा कि हाँ इस डेट को आपका वेबिनार है, क्या वेन्यू रहेगा, और सब चीजें आपको अपडेट की जाएंगी, ठीक है। तो आप अपडेट रहिए, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है
तो मैं कहूंगा प्लीज रजिस्टर कर लीजिए। मैं चाहूंगा, क्योंकि टिकमिल के साथ मैंने जो उनसे उनसे बात की, तो उन्होंने एग्री किया कि वो कुछ प्राइजेस यहाँ पर स्पॉन्सर करना चाहेंगे। तो सम प्राइजेस ऑर्गेनाइज विद टिकमिल, सो इफ यू हैव अकाउंट, अगर आपका अकाउंट टिकमिल में है तो डेफिनेटली आपको प्राइज मिलना ही मिलना है। तो मैं कहूंगा आप अकाउंट बना लीजिए टिकमिल में, अपना अकाउंट वेरीफाई कर लीजिए, केवाईसी कर लीजिए। आप अगर वहां पर जुड़ेंगे तो आपको प्राइज मिलना ही मिलना है, जो कि एक अच्छा प्राइज है गाइस। अगर मैं होता तो मैं डेफिनेटली उस प्राइज को लेना चाहूंगा। मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा अभी क्या प्राइज है, पर एक अच्छा प्राइज है जो आप वहां पर आप ले मिलेगा। और दूसरा, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 6 मार्च ऑनवर्ड्स अगर आप मिलकर साथ यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, आपका अकाउंट है, तो आपको एक दो मतलब कि एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे। तो उनमें से जो भी ट्रेडिंग करेंगे, जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे 6 मार्च ऑनवर्ड्स, टिल जब भी वो वेबिनार हो, 19 हो सकता है, 26 या 2 अप्रैल, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम होगा, क्योंकि 90 लोग ही मैक्सिमम जुड़ सकते हैं और सभी के अकाउंट्स टिकमिल में नहीं होंगे। तो जिनके अकाउंट्स हैं, मैं कहूंगा ट्रेडिंग कीजिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतना करना है इतना नहीं। जो भी होगा, जिनका अकाउंट मेरे आईबी से है, मैं उनको जस्ट चेक कर लूंगा कि उन्होंने सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की है, और टिकमिल से एग्री करके आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट वहां पर दिया जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कुछ ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होगा, मेरे ख्याल से कुछ ही लोगों के होंगे अकाउंट। तो मैं कहूंगा अकाउंट बना लीजिए और आप एक अच्छे प्राइज यहाँ पर विन कर सकते हैं। और कुछ स्पोर्ट्स अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो मैंने रिमूव कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि एकदम से फिर काफी वहां पर ज्वाइन करें, या वहां पे मैंने यूपीआई का पेमेंट भी हटा दिया है जो टेलीग्राम पर था। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आप मेरी ईमेल आईडी forexsalary.india@gmail.com पर कनेक्ट कीजिए, मुझे रिप्लाई कीजिए कि सीट्स अवेलेबल है या नहीं। मैं आपको बताऊंगा, अगर यस है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। पेमेंट 100 रुपीज की, जो मैं यूपीआई आपको भेजूंगा वहां पर करेंगे, और फिर मैं आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन करूंगा। तो जो भी स्पोर्ट्स है, तो जब भी ये यूट्यूब पर जाए या आपका है अभी से, तो कर लीजिए। तो अगर आप दिल्ली में है, दिल्ली के आसपास है, तो ये हमारा पहला मीटअप इवेंट है। जस्ट एक गाइस आपसे मिलना है, और वहां पर काफी अच्छी मतलब चीज है कि आपसे मिल सके, एक दूसरे से जान सके, ट्रेडर एक दूसरे को जान सके। तो हमारी 4-5 घंटे के आपस में एक अच्छा मीटअप होगा, तो वहां पर अगर प्राइस भी आपको मिले तो और भी अच्छी बात। तो अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो डेफिनेटली मैं कहूंगा इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, और यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं टिकमिल। अगर बेकार बुकर होता तो मैं नहीं कहता कि आप इसको ज्वाइन कीजिए, तो डेफिनेटली अच्छा होगा। ओके, $2 पर लोट, ओके सातवां क्वेश्चन, $2 पर लोट अगर होता है तो 0.05 लोट पर $1 चार्ज होगा, क्या क्या कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ, प्रोपोर्शनेटली होता है। स्टैंडर्ड लोट के लिए वो $2 है, और अगर आप स्टैंडर्ड लोट से कम होते चले जाएंगे तो वो प्रोपोर्शनेटली क्रिएट होगा, जैसे आपने बताया, बिल्कुल एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन। ठीक है, अनेश चार्ट्स का क्या है? चलिए मैं चार्ट्स के बारे में बता दूंगा जब अगर आपको एक वीडियो में, ताकि सबके लिए डिटेल में हो कि कैसे आप चार्ट्स का मैनेज कर सकते हैं। का वेन्यू अभी फाइनलाइज होना है, तो जैसे मैंने बोला कि नेक्स्ट वीक तक तो और चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी, तो नेक्स्ट वीक तक तो डेट हमारी फाइनलाइज हो जाएगी, और आपको विद इन 1 वीक इन एडवांस आपको बता दिया जाएगा कि क्या वेन्यू है और क्या डेट है जो फाइनल हुई है, जो आपको वहां पर अपडेट कर दी जाएगी जिन्होंने भी रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो मैंने सबको बताने का फायदा नहीं है, जो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो जो ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने रजिस्टर किया उनको ही बताया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक चीज और बताना चाहूंगा, मैंने ट्रेड सेफली जो पिछले वेबिनार में मैंने आपको बताया था, अगर आप सेफली ट्रेड करना चाहते हैं बिना किसी अकाउंट में, तो वहां पर मेरे पास काफी वहां पर पूछ रहे थे कि क्या ये परसेंटेज कम हो सकती है। काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि 30% बहुत ज्यादा, इसको कम कर दीजिए सर, ज्यादा नहीं है। तो मैंने इस पे काफी टीम से भी बात की, और काफी जो ट्रेडर मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने इसको कम कर दिया है गाइस। तो इसको हमने 10% मतलब कि आप अगर $100 से $500 चाहते हैं तो 20% स्प्लिट, 500 से 1K 15%, 1000 से 5K 10%, और वो 5000 5%। तो जो पहले आपकी 30-20-15-5 थी, अब वो 20-15-10-5। अगर आपको नहीं पता ये क्या है, तो मैंने जो लास्ट वेबिनार किया था वहां पर इसके बारे में बताया था ट्रेड सेफली कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिए, वहां पर डिटेल में बताया हुआ है, और यहाँ पे काफी डिटेल है। जब ये यूट्यूब पर जाएगा आप इसको पढ़ सकते हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जिनको इंटरेस्ट है आप इसमें जाकर इसको कर सकते हैं। तो काफी रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने इसको चेंज किया, तो अब आपको काफी कम मतलब कि आपको प्रॉफिट स्प्लिट करना पड़ेगा अगर आप सेफली चाहते हैं, आपके अकाउंट्स कहीं पर ना जाए, लॉग इन आईडी या आपकी डिटेल्स कहीं पर ना जाए, और आप सेफ ट्रेड करें। ओके, दिस वीक कुछ न्यूज है, मेन न्यूज है जो हम बात करेंगे, तो चलिए मैं आपके साथ पहले यहाँ पर चार्ट शेयर करता हूँ। मुझे बताइएगा जब आप चार्ट देख पाए। मैंने कोई ट्रेड लिया था, मैं अभी एक ट्रेड में इन हूँ, मैं पाउंड यूएसडी में इन हूँ, मैंने यहाँ पर इसमें ट्रेड लिया हुआ है। अगर मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ना, आई होप आपको विजिबल होगी, यस ओके प्रियंका,
तो मेरा एक ट्रेड अभी इन है जिसमें मैं £1 में इन हूँ, जहां पर मैंने एंट्री ली थी, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ, तो अभी ये ट्रेड चला हुआ है, अगर आप इसको देख पाएंगे। यहाँ पर जो मैंने एंट्री ली हुई थी इसमें, तो 170.45 के आसपास अभी ये प्रॉफिट में चल रहा है। टारगेट प्रॉफिट जो मेरा अभी जो प्रीवियस हाई है वहां पर मैंने रखा हुआ है, तो अगर ये वहां पर जाएगा तो ठीक है, तो मेरा ये ट्रेड अभी चल रहा है। तो यहाँ से एक बार रिजेक्शन हो चुकी है, दोबारा आप देखते हैं इसको ये जाता है। एंट्री रीजन क्या है, मैंने फोरकास्ट में भी बताया था। यहाँ पर आप देखिए, फोरकास्ट था, हम एक रेंज में चल रहे हैं 4 आवर में, ठीक है, 1 आवर में हम इन द मिडल है। और ये अगर आपको यहाँ पर ये होल्ड करता है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में भी जाए इसको 130 मिनट्स में भी देखें, तो एक रेंज में बना। क्या हुआ, लंदन सेशन में पूरा ब्रेकआउट करके नीचे गया, जो आपकी ये सपोर्ट है इसको इसने होल्ड किया यहाँ पर एकदम से जंप अप, और फिर ये यहाँ से फिर इसने एंट्री लिया। तो US सेशन में मैंने इसमें एंट्री ली, तो जस्ट अभी 1-1.5 घंटा पहले के आसपास, जस्ट US सेशन से ओपन होने से पहले ये एंट्री ली है, और ये अगर टारगेट यहाँ पर अचीव होता है तो उसके लिए, तो ट्रेड अभी चला हुआ है, देखते हैं ये प्रॉफिट मिल जाता है या नहीं। तो मेरा टारगेट जो है मैं यहाँ पर शायद, हाँ ये ट्रेड आप देख पाएंगे, शायद आपको विजिबल होना चाहिए, तो ये मेरा टारगेट है। अल्टीमेटली देखूंगा मैं, एक दो पोजीशन को देखूंगा कि वो यहाँ तक जा सकती है, क्योंकि 4 आवर में जो मैंने आपको फोरकास्ट बताया था, अगर आप यहाँ पर देखें जो मेरा टारगेट होगा वो यहाँ तक होगा, तो कुछ पोजीशन में यहीं पे क्लोज कर दूंगा, कुछ पोजीशन को अगर मैं रन करना चाहूँ तो ऊपर की तरफ जा सकती है। तो £USD मेरा ट्रेड था जो मैंने लिया हुआ, अभी चल रहा है ट्रेड। आपका कोई ट्रेड है जो आपने देखा हो या आपने लिया हो? आशुतोष आपका क्वेश्चन, अच्छा तो यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं गाइस, कोई भी आपका डाउट हो, आप बिगिनर हो, पहली बार हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप कोई ट्रेड देख रहे हैं, या आपने कोई ट्रेड लिया है, आपका लूजिंग में गया है, प्रॉफिट में, आप कुछ एनालाइज करना चाहते हैं, पेयर का नाम बताइए, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम में, एटलीस्ट 3 चीजें मेरे को बताइए। तो आशुतोष का क्वेश्चन है, सर एक ट्रेडर को कितनी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए मैक्सिमम? मैं कहूंगा 2 से 3, पर पहले आप एक स्ट्रेटेजी में परफेक्ट होइए, जब आपको लगे कि उस स्ट्रेटेजी में आप बिल्कुल ग्रिप बना चुके हैं, तो अपना एरिया एक्सपेंड करने के लिए फिर 2 या 3 इतनी आपको एनफ है, ठीक है, जब उसमें मास्टर हो जाए, ताकि आपको उनके बेस पे सेटअप मिलते रहे। ज्यादा ऐड करने जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, पर वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर आप 3-4 साल हो गए हैं, मे भी आप 1-2 और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। आलोक राज, सिग्नल के साथ ट्रेड करना सही होता है क्या? आलोक राज मैं नहीं कहूंगा, वो किस बेस पे सिग्नल दे रहे हैं, क्या हुआ, क्या वो उसकी एक्यूरेसी है या नहीं है, कब काम करेगा कब नहीं करेगा, और फिर आप किसको ब्लेम करेंगे, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा उस पे नहीं कहूंगा कि आप सिग्नल के ऊपर डिपेंड करें। थोड़ी मेरी यहाँ पर तबीयत खराब है, तो थोड़ी खांसी वगैरह अगर हो तो मुझे माफ करना गाइस, ठीक है। ओके, प्रियंका कपूर, USD जैपनीज येन में 4 आवर टाइम फ्रेम में आप बाई देख रहे हैं। चलिए USD जैपनीज येन को देख लेते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में आप इसे बाई देख रहे हैं। ये रहा, हम यहाँ पर हैं इसमें बाय, और अगर मैं फोरकास्ट में देखूं तो मैंने आपको क्या बताया था, यूएसडी जापानी येन में 4 आवर में, कि हम यहाँ पर देखिए एक रेंज में यहाँ पर आ चुके हैं, तो इस एरिया के आसपास आप बाय देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस नीचे लगाए और टारगेट प्रॉफिट ऊपर देख सकते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और अगर मैं इसको करेंसी पेयर मीटर में भी जाकर देखूं, जो करेंसी मीटर है, तो आज हमारा USD मिक्स में चला हुआ है, जापानीज भी मिक्स है, तो ओके, मैं नहीं कहूंगा कि रिवर्स अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं 4 आवर के बेस पे भी, तो अगर आप एंट्री यहाँ पर लगाएं, स्टॉप लॉस इस रेंज से नीचे रखेंगे, और टारगेट प्रॉफिट प्रीवियस हाई के पास, मतलब कि मैं कहूंगा उससे भी थोड़ा नीचे, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है, क्योंकि अभी ये इस तरीके जा रहा है, तो अगर यहाँ पर भी देखिए तो 1.5 एटलीस्ट मिनिमम आपको टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक अच्छा ट्रेड है, देखिए अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर में भी जाकर देखिए, तो ये कैंडल कहाँ पर जाती है, कहाँ पर ये क्लोज हो, अगर कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिले इसके आसपास, तो आप डेफिनेटली इसमें एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ मिस्टर आजाद सर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, कुछ अलग टर्मिनोलॉजी को उसको नाम दिया हुआ है, ऑर्डर गैप, इनबैलेंस, सो काफी चीजें हैं, कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। आप यूट्यूब पर भी इसको सर्च कर सकते हैं, जो YCT करके कुछ वो है, तो उन्होंने चलाया हुआ है, तो उनके कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो उसको पढ़ाते हैं। ओके, शांतनु, अगर कोई ब्रोकर $3 पर लॉट चार्ज लेता है, वो बोथ साइड और सिंगल साइड होता है, तो टोटल $6, और सिंपल वे प्रॉफिटेबल होना के लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ग्राफ, फेयर वैल्यू गैप, इन सब सीखना जरूरी जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको ये चीजें सीखनी हो, उससे पहले भी चल रहा है, तो वो
एक पर्सन है, उसने अपनी चीजों को इन्वाइट किया, इन्वाइट किया और उसके हिसाब से रोटेट कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि एक ही तरीका बेस्ट है, काफी चीजें हैं। मैं नहीं यूज करता हूँ एसएमसी कॉन्सेप्ट और मैं ट्रेड करता हूँ। रोहित सुधर भैया, सर न्यूज की मूवमेंट कितनी देर तक रहती है? मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स आपको अपडेट हो जाता है कि पता चल जाता है कि कितना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ब्रेक डाउन कैसे, ब्रेक इवन कैसे करते हैं ट्रेड को प्लीज सजेस्ट। ब्रेक इवन कैसे करते हैं मतलब मुझे समझ में नहीं है। आई सेंड यू माई पेपर ट्रेड्स ऑन इंस्टाग्राम आशीष, यस आई सीन इट, बट मैं डिटेल में वहां पर चेक नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ईमेल में भेजेंगे तो बताइए, मैंने एक रफली देखा था, बहुत आप अच्छा कर रहे हैं, मगर कोई ऐप के थ्रू समझ में नहीं, समझा नहीं सकता मेरे लिए, मगर कोई ऐप के थ्रू मैं समझा नहीं मिस्टर प्रोडक्शन। आशीष उचानी, 500 to 8,000 डॉलर इन 1 मंथ, गुड। देखिए पेपर ट्रेडिंग में अगर आपने किया है, जब आप रियल में जाएंगे तो कुछ और ही फर्क होता है, क्योंकि जब रियल मनी उसमें इन्वॉल्व होती है ना, आपके इमोशंस भी आ जाते हैं। जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होती है। आप मोस्टली क्या होता है, बिगिनर जो आपके पेपर ट्रेडिंग करते हैं प्रॉफिटेबल रहते हैं, पर जब रियल में जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां पर रियल मनी स्टेक में रहती है। तो मैं कहूंगा अगर आपने अच्छे से ट्रेड किया, आपने कंपाइल किया, मिस्टेक्स को ठीक किया है, तो एक छोटा सेंट अकाउंट लीजिए, जो कि आप किसी अदर ब्रोकर में देख सकते हैं, जहां पर सेंट अकाउंट मिले, ताकि आप सेंट में ट्रेडिंग कर सकें, और वहां पर टेस्ट टेस्ट कीजिए कि क्या आप अभी मोशन के साथ उसको ट्रेड कर सकते हैं। जब आपको पता चलेगा तो वहां से आप और चीजें सीखेंगे, क्योंकि जब रियल मनी इन्वॉल्व आएगी, क्या आप माइंड बैलेंस को वहां पर अप्लाई कर पा रहे हैं जब आपका ट्रेड लॉस में। ओके, और आज कुछ न्यूज भी है, आज हमारी जो कैट की न्यूज आई थी, अगर आप यहाँ पर देखें, यस आशीष एक्सेस में है, तो आने वाले हफ्ते में काफी न्यूज है गाइस। अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर भी है और कैट के ऊपर है, कल आपकी ऑजी के ऊपर बैंक रेट का डिसीजन है, फिर फेड की टेस्ट बनी है, तो काफी है ये न्यूज, ये हफ्ता काफी बिजी होने वाला है। मिस्टर आजाद सर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं समझा था। अगर मैंने उसको बनाया तो मैं यूट्यूब पर लेके आऊंगा और उसको फिर बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से लेके आऊंगा, क्योंकि उसको बहुत कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, तो अभी कुछ नहीं है, पर इन फ्यूचर अगर मैं बनाया उसके ऊपर, तो उसको बहुत ही सिंप्लीफाई में लेके आऊँ, क्योंकि अगर आप जाएं भी उसको समझना भी चाहें तो काफी इसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ है जिन्होंने भी इसको किया हुआ है, और काफी मतलब वीडियो इतना करने के लिए आपको 5 6 महीने लग जाएंगे इसको समझने के। ओके सर, 5% में न्यू फंडिंग अकाउंट लॉन्च किया है कल, तो प्लीज एक वीडियो बनाए और डिपॉजिट के लिए डील पर एक वीडियो बनाए। ओके आजाद, उसको मैं, मेरे पास वो पहले ही इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी, मैं उसके ऊपर बनाऊंगा डेफिनेटली। सर यूएस में ऑयल में एंट्री नहीं ले पाया, लेट हो गया इन 1 आवर, प्लीज सजेस्ट फॉर बाई पोजिशन। ऑयल में आपने एंट्री के लिए देखना था, तो हमने फोरकास्ट में क्या किया था ऑयल के लिए, आप बाई के लिए बोला था। देखिए फोरकास्ट में मैंने क्या बोला बोला था कि आप अगर जो एंट्री लेंगे इस चैनल के पास लेंगे, जो बेस्ट होगा आपके लिए बेस्ट रहेगा, अगर आप 1 आवर इवन भी चाहते हैं, तो बेस्ट जो एंट्री होती है आप यहाँ पर होती है, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाते हैं। अब यहाँ पर आप आ चुके हैं, तो अभी क्या है, यहाँ से अब ये रिजेक्शन लेना शुरू करेगा। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, शायद आपको फिर बाद में अच्छे से दिख पाए। तो अभी यहाँ पर आ गए, अभी मैं नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर अभी इसमें एंट्री लीजिएगा, आप लेट हो चुके हैं, तो जब ट्रेन निकल जाए स्टेशन से पीछे मत भागिए, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा आएगी अगर आती है, मिलता है चांस तो ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने जाएंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, टारगेट प्रॉफिट क्या रखें, कुछ आपको बस वो नहीं मिलेगा इसको। तो एंट्री यहाँ पर थी, अगर इसके बाद कुछ मिलता है नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आती है इस एरिया के बाद, तो फिर आप देख सकते हैं, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो सके। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ ठीक है अविनाश, तो ज्यादा कोई बात नहीं, अगर मिस हो जाती है एटलीस्ट आप अपना सेव कर रहे हैं। हाँ प्रियंका, इंट्राडे में ट्रेल कैसे करें, बिकॉज मेरी रेशो 1:2 रहती है। ट्रेलिंग के लिए आप लो हायर हाई हायर लो जैसे जैसे बनते जाते हैं। अगर आपने, मान लीजिए मैं स्पेयर में जाता हूँ, अगर आपने यहाँ पर कहीं पर स्टॉप लॉस, जैसे स्पेयर में ठीक है, यहाँ पर आपने एंट्री ली थी, टारगेट प्रॉफिट आपने जो प्रीवियस हाई है यहाँ पर लगाया था, स्टॉप लॉस यहाँ पर था, अब यहाँ पर ये इसको ब्रेक करके नीचे आ चुका है, अब आप क्या करेंगे, पहले अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर लेके आएंगे, और जैसे जैसे ये लोअर लो बनाता जाएगा आप अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते जाएंगे। तो अगर आपका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे था, जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ले आए प्रीवियस लो,
जब ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा, जैसे यहां पर इसने इसको ब्रेक कर दिया पिछले लेवल को, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा और इस तरीके से फिर लास्ट में आप यहाँ पर आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ट्रेल कर सकते हैं या फिर आप इंडिकेटर का फायदा उठा सकते हैं, मतलब कि RSI है जहां पर वो ओवरबोट या ओवरसोल्ड हो जाए तो उस केस में आप वहां पर उससे आउट हो सकते हैं। सर इन सब पर बहुत से फ्रॉड हैं जो बोल रहे हैं प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता है, SMC करता है, जिससे न्यू ट्रेडर की साइकोलॉजी में दिक्कत आ रही है क्योंकि लोगों को लग रहा है ट्रेडिंग कुछ ऐसा है जो 100% मिलते हैं। देखिए 100% तो कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं देगी, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो बिल्कुल ही 100% आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, लॉस होंगे, लॉस होते हैं, बस उनको मैनेज करना है कि जब आप लॉस करें तो कम करें, जब आप विन करें तो ज्यादा करें, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर 100% है फिर स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, और ऐसा कोई नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट बस काम करेगा, बाकी चीजें कुछ काम नहीं करेंगी। किसी भी जगह से आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है एक रास्ता नहीं है, इतने सारे रास्ते हैं, सबका अपना अपना नजरिया है, अपने तरीके से जा सकते हैं, किसी को कुछ सूट करेगा, किसी को कुछ सूट करेगा। ओके थैंक यू अविनाश। सर FTMO जैसे ब्रोकर ने भी सर्विस स्टॉप किया है, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाएगा तो क्या करेंगे? आशीष देखिए ब्रोकर अलग है, FTMO अलग चीज थी। FTMO जो था वो एक प्रॉप फॉर्म थी जो ब्रोकर के साथ मिलकर अकाउंट ले रहे हैं, क्योंकि उनका नाम RBI में था तो वो डर गए। ठीक है ना, उनका कोई प्लान नहीं था कि वो स्पेशली इंडिया को टारगेट कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने सीधा अपनी सर्विस हटा ली है क्योंकि रेट हो सकता था। बाकी ब्रोकर जो है उनपे तो बल्कि हिट कर रही है, फिर भी वो नहीं जा रहे हैं, वो और चीजें सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। अगर कोई ब्रोकर जाता भी है, अगर रेपुटेड ब्रोकर में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी पैसा देकर जाएगा। रिसेंटली FBS जो एक रेपुटेड ब्रोकर था, जब आउट हुआ था कि मतलब कि वो इंडिया से क्लाइंट नहीं ले रहे हैं, उन्होंने 2 से 3 दिन का टाइम दिया था कि आप अपने अकाउंट में से विड्रॉ कर लीजिए जिन्होंने भी करना है, और आपका पैसा वहां पर देके जाएगा, तो उसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। ओके आजाद दिल पर जल्दी वीडियो। ओके थैंक्स प्रियंका। सर स्ट्रेटेजी में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें? उसको टेस्ट कीजिए, उसको जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बैक टेस्टिंग कीजिए उसके ऊपर, बैक टेस्टिंग के ऊपर सॉफ्टवेयर में एक वीडियो बनाया हुआ है और इसके ऊपर भी मैं आपको बना दूंगा ट्रेडिंग व्यू में किस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके Q&A में कोई क्वेश्चन? सर कैन आई यूज वॉल्यूम इंडिकेटर इन 1 आवर टाइम फ्रेम? मोहित आप ले सकते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर, पर ये स्टॉक की तरह काम नहीं करेगा क्योंकि फॉरेक्स जो है वो सेंट्रलाइज मार्केट नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। तो यहाँ पर जो भी आप वॉल्यूम देखेंगे वो उस ब्रोकर की वॉल्यूम दिखाएगा। अगर मैं इस टाइम पर कैपिटल मार्केट को यहाँ पर चार्ट देख रहा हूँ तो ये जो वॉल्यूम इनकी होगी वही दिखाएगा। आप एक आइडिया ले सकते हैं पर ये मत बिलीव कीजिए कि जो वॉल्यूम यहाँ पर दिख रही है यही टोटल वॉल्यूम, या जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप देखते हैं तो वो पूरी वॉल्यूम जो होती है वही दिखेगी, यहाँ पर वो नहीं होगा। यूरो USD बाय और सेल करना चाहिए? अभी यूरो USD के लिए मैंने बताया था जो हमारा फोरकास्ट है, अगर आप यहाँ पर देखें यूरो USD मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, अभी तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चल रहा है। यहाँ पर मैंने बोला था अगर हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं, अगर ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाए फिर हम बाय के लिए देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि अभी एक रेसिस्टेंस एरिया के आसपास है। प्रियंका सर मैंने USD जापानी येन में बाय ट्रेड लिया है अभी, कैन यू प्लीज सजेस्ट द फर्स्ट टारगेट प्रॉफिट अगेन? अगर आपने यहाँ पर अभी इसमें बाय के लिए देखा है तो मैंने आपको बोला था कि आप बिल्कुल हाई यहाँ पर टारगेट मत देखिएगा, टारगेट आपका जो पहला होना चाहिए वो इस लेवल के आसपास होना चाहिए, पर 1.5 इतना तो जो प्रीवियस ये है आप इस लेवल को देख सकते हैं और मैक्सिमम इस एरिया के आसपास यहाँ तक देखें, क्योंकि यहाँ से फिर ये दोबारा से मार्केट एकदम से रिजेक्ट हो सकती है। तो अगर आपको आउट होना भी है कुछ यहाँ से आउट होना है तो मैक्सिमम मैं कहूंगा कि आप इस लेवल पर 136.431 यहाँ पर आउट हो सकते हैं। हाउ टू मैनेज लॉस इन 0.01 लॉट्स इन गोल्ड एंड GBP USD? हाउ टू मैनेज लॉस, मतलब कि लॉस आप मैनेज करेंगे कितना रिस्क में लगा रहा हूँ यहाँ पर, मेरी वेबसाइट पर जाइए, कैलकुलेटर आपको दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा टूल है गाइस, यहाँ पर जाए, मेरी वेबसाइट दिख रही होगी ना, दिख रही है, फॉरेक्स ट्रेडिंग सेक्शन में जाइए। ठीक है, यहां पर एक टूल दिया हुआ है आपको पोजीशन साइज कैलकुलेटर, तो आपको पता चल जाए कि एटलीस्ट आप कितना रिस्क लगा रहे हैं किसी पोजीशन पे। यूरो USD में आपने ट्रेड लिया है, कौन सा क्या अकाउंट की करेंसी, आपने कितने पिप्स का स्टॉप लॉस है, अगर 30 पिप्स का स्टॉप लॉस है, $500 का बैलेंस है मेरे पास, 2 या 3% या जो भी आप अपना रिस्क लगा रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेट करें और उसके बेस पे जो लॉट निकल के आए वो लॉट्स आप देंगे। सर चार्ट को कोई भी यूज कर सकते हैं ना,
कोई भी चार्ट यूज कीजिए, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मोस्टली मैं कहूंगा जो आप रेपुटेड हैं यहाँ पर एफएक्स या कैपिटल काफी है, जो भी आप लगे आपको ट्रेड कीजिए बस। वो अलग अलग हो सकते हैं पर प्राइस सेम रहेगा, प्राइस में कुछ नहीं, कैंडल की जो प्रिंटिंग है वो थोड़ी अलग हो सकती है। हाँ सर, तो सर हमारे पास जब स्ट्रेटजी है तो हमें फोरकास्ट की नीड क्यों पड़ती है, मैं कंफ्यूज हूँ, प्लीज टेल सर। कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेटजी तो आपको पता है कि मुझे यहाँ पर बाय लेना है सेल करना है, पर आपको एक डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि हाँ ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उससे थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। सर एक हाईली ट्रेडर होने के लिए कितने पेयर को ट्रेड करना चाहिए, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं। ज्यादा अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको ज्यादा पेयर चाहिए होंगे, क्योंकि अगर आप एक पेयर लेके बैठ गए और डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने लगेंगे तो आपको पूरे दिन पूरे पूरे हफ्ते में शायद एक या दो ही ट्रेड मिल पाए, तो अगर आपके लिए एनफ है पूरे हफ्ते में एक या दो ट्रेड तो ओके। पर अगर आप वही अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो फिर आपको इतने पेयर की जरूरत नहीं, तो डिपेंड करता है किस तरीके की ट्रेडिंग है, अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं इंट्राडे हैं या फिर स्विंग ट्रेडर हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से आपको पेयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। स्विंग में है पेयर ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, स्कैल्पिंग में है पेयर कम करने पड़ेंगे, इंट्राडे में मीडियम पेयर्स रखिए। प्रियंका ओके डन, थैंक यू। थैंक यू सुमित, थैंक्स सर। आपका करेंसी इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, जो वेबसाइट पर दिए है वो आशीष उसके बारे में बताया हुआ है, वीडियो भी बनाया हुआ है। जो करेंसी आप ये कह रहे हैं करेंसी स्ट्रेंथ मैप, ओके आशुतोष थैंक यू। ओके सर हाउ टू बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर, जस्ट मैनेज कीजिए रिस्क ठीक है, और अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट कीजिए, जब वो काम करेगी, क्योंकि टाइम लगेगा ठीक है ना, डेमो से स्टार्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए, फिर रियल में जाइए, रिस्क को मैनेज कीजिए, और इन द बिगिनिंग लूजिंग करने से मत डरिए, क्योंकि लूजिंग होगी इसमें, तो ऐसा नहीं है कि विन ही विन आप करते रहेंगे ठीक है। हाँ तो यहाँ पर इसके ऊपर एक दो वीडियो बनाए हुए हैं आशीष की, ये कैसे काम करता है, थोड़ा उल्टा आपको देखना होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ओ जी ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा वीक है। कैसे पढ़ेंगे इसको, ओ जी मतलब कि यूरो ओ जी के अगेंस्ट में इतना, यूएसडी ओ जी के अगेंस्ट में इतना है, तो मतलब कि ओ जी वीक है, जापानी येन ओ जी के अगेंस्ट में 0.45% अप है, तो मतलब ओ जी वीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ओ जी वीक है ओके। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन, मैं अपना ट्रेड देख लेता हूँ कि वो किस तरीके से जा रहा है, तो अभी यहाँ पर ये स्ट्रगल कर रहा है इस एरिया के आसपास, देखते हैं ये प्रॉफिट में जाए या नहीं। अंडरस्टैंड थैंक यू ओके। आशुतोष देवी सर आपसे बहुत सीखने को मिलता है, थैंक यू आशुतोष, जस्ट एक इनिशिएटिव है ताकि आप मेरे से यहाँ पर जुड़ सके, मुझे गाइडेंस नहीं मिली, मेरी लर्निंग कर्व बहुत लंबी थी 4 से 5 साल की, अगर यहाँ पर मेरे एफर्ट से अगर कुछ भी 1% 2% आपको हेल्प मिल जाए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राइट गाइडेंस आपको बिगनिंग में बहुत चाहिए होती है जो नहीं मिलती है ठीक से, और काफी लोग स्कैम में काफी फंस जाते हैं। इन फ्यूचर ओके सर, फ्यूचर ऑफ फॉरेक्स फॉर न्यू ट्रेडर्स, फ्यूचर देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बंद होने वाली है, हाँ एक्शन होते रहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि लीगल पूरी तरीके से नहीं, ग्रे एरिया है, तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं बंद होने वाली, वर्ल्ड वाइड होती है ट्रेडिंग, तो कुछ ना कुछ ब्रोकर्स सोल्यूशन लेकर आते रहेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट कोरिलेशन ऑफ पेयर्स, एक आइडिया हो जाता है उससे, मतलब क्या होता है कि आपको स्ट्रेटेजी तो आपको बताती है कि आपके स्पेस पे आपको ट्रेड करते हैं, पर कोरिलेशन से आपको एक आइडिया हो जाती है कि आज कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है, कौन सी वीक में है, एटलीस्ट आप पेयर सिलेक्शन में आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरे को ये पेयर आज इसमें बाय के लिए देख सकता हूँ, अगर मेरे सेटअप के हिसाब से इसमें बाय बनता है, तो वो एक तरीके से कहे ना कि आप अगर भाग रहे हैं और हवा आपके पीछे से है तो आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, अगर हवा आपके सामने से और भाग रहे हैं तो आप डबल एफर्ट्स लगाएंगे, तो करेंसी स्ट्रेंथ से अगर आपको पता चले कि आज जो करेंसी है जैसे कि आप यहाँ पर देखें एनजेडी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग ठीक है, नहीं एनजेडी पूरी तरीके से वीक है, ओजी पूरी तरीके से वीक है, तो अगर मैं आज इसमें देखूंगा तो आज इसमें मैं सेल के लिए देखूंगा, तो अगर मैं ओजी यूएसडी को देखूंगा तो मैं इसमें सेल के लिए देखूंगा, मैं इसमें बाय के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि बाय की पोजीशन नहीं बनेगी, बनेंगी, पर देखिए सेल जो जाएगा वो इजी जाएगा, बाय थोड़ा वीक जाएगा, इसी तरीके से एनजेडी पूरी तरीके से डाउन चल रहा है, तो ये आपको एक कहीं की सिलेक्शन में आपको एक हेल्प करता है, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि आप इसका और ज्यादा इस्तेमाल करें, बाकी आप स्ट्रेटजी के बेस पे ट्रेड करें। ओके सिंग्स को
सर कोरिलेशन ऑफ पेयर्स मेक्स थिंग्स कंफ्यूजिंग फॉर मी। सो आई होप आप क्लियर होगा मोहित कि जस्ट आप यूज कीजिए कि पेयर सिलेक्शन के लिए, बस इतना ही, ज्यादा मत यूज कीजिए। अंडरस्टूड, ओके, थैंक यू। ओके, अब मैं इस पे आ जाता हूँ। ये मैं Q&A में क्वेश्चन पढ़ रहा था, और सर वेंटेज और VT मार्केट ब्रोकर रेपुटेड ब्रोकर लिस्ट में है? हाँ, वेंटेज रेपुटेड ब्रोकर है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप ऐसे इसको यूज करना चाहे कर सकते हैं। Realme 6 Pro, सर यू आर माई इंस्पिरेशन, मैंने आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, मैं हमेशा ऐसे साथ देते रही। बिल्कुल Realme, आपका नाम मुझे नहीं पता क्या है, पर हमेशा आपके साथ में यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, और काफी कुछ कंटेंट है वीडियो पर जो आप सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पर मैं कहूँगा टेस्ट कीजिए, जस्ट ये नहीं कि वहां से देखा और उसको रियल में अप्लाई कीजिए और ट्रेड लेना शुरू कर दिया और आप कहीं ये लॉस हो गया, फिर मुझे ब्लेम कर, पहले देखिए क्या वो आपके लिए सूटेबल है, ये आपके लिए काम कर रहा है। जैसे बहुत सारे तरीके हैं, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट नहीं करता। करेंसी मीटर कैसे कैलकुलेट होता है? देखिए काफी तरीके हैं, कोई अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करता है, कोई मूविंग एवरेज से अप चल रहा है, डाउन चल रहा है, तो करेंसी स्ट्रेंथ में है, वीक में है, आज ये करेंसी उसके अगेंस्ट में प्लस में है तो वो स्ट्रेंथ में है, तो हर एक चीजों के अलग अलग है, कुछ वेटेड एवरेज के बेस पे निकलते हैं, तो सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तो जो अलग अलग साइड से सबके अपने अपने फॉर्मुलेशन है जो उसके बेस पे वो दिखाते हैं। अपने GBP USD पे ट्रेड स्प्लिट करके लिए हैं या एक गैप लेके लॉस बढ़ाते? देखिए उसमें क्या होता है कि प्राइस कुछ अच्छा मिले उसके बाद, रिस्क मुझे पता है कि जो मुझे लेना है उसके बेस पे फिर मैं लॉट्स को स्प्लिट करता हूँ। अगर मुझे उससे अच्छा प्राइस, अगर आप मैंने एंट्री कर दी और उसके थोड़ी देर बाद मेरे को और अच्छा प्राइस मिलता है तो मैं और एंट्री ले लेता हूँ, पर मेरा रिस्क फिक्स है, पर ये नहीं कि मैं रिस्क बढ़ाता जा। ठीक है, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन कैड एंड ऑयल? यस देयर इज, और ऑल्सो अगर आपको कोरिलेशन का समझना भी है कि कोरिलेशन चेंज होते रहते हैं, एक वेबिनार किया था टिकविल के साथ ही था, और यहाँ पर भी आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो कोरिलेशन को समझ सकते हैं कि अब कौन सी करेंसी का कोरिलेशन कैसा चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं करेंसी कोरिलेशन, कौन सी करेंसी किसके अगेंस्ट में कितना पैक्ड है, मतलब कि किस तरीके से साथ में मूव कर रही है, कौन सी अगेंस्ट में चल रही है, तो जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी प्लस में उतना वो करेंसी उसके साथ है। जैसे ऑजी स्विस फ्रैंक और यूरो यूएसडी 81% दोनों पेयर को देखेंगे, 81% साथ में चल रहे हैं। ठीक है, और अगर माइनस में देखेंगे तो 82 यूएसडी कैड और ऑजी स्विस फ्रैंक दोनों इसमें, तो ये परसेंटेज थोड़ी चेंज होती रहेगी कितना प्लस माइनस, तो जितनी ज्यादा परसेंटेज रहेगी 80 प्लस उतना ज्यादा वो साथ में चलेंगे, 80 माइनस उतना माइनस में रहेंगे। से मेरा नाम आयुष, तुम लखनऊ? ओके, रियलमी थी, अभी 16 साल का हूँ, क्या सही में सही टाइम सही फॉरेक्स स्टार्ट करने का? बिल्कुल ठीक है, सीखिए आप, जितना टाइम लगा देंगे, जितना गलती करेंगे उतना बेटर रहेगा, तो मैं कहूँगा आप बहुत अच्छी आपकी एज है, टाइम लगाइए, सीखने पे लगाइए, अभी आपका फोकस केवल सीखने पे होना चाहिए। नहीं, मेरा कोई कॉपी ट्रेडिंग का अकाउंट नहीं है। हर्ष कुमार, सर फरवरी मार्च में मार्केट में बहुत चोपी रहती है, मेरी स्ट्रेटजी पर ट्रेड हर मंथ 30 एवरेज मिलती थी, अभी फरवरी मार्च में बहुत कम मिल रही है। हर्ष देखिए, हर एक स्ट्रेटजी का एक फेज रहता है, तो जैसे कि अगर आप देखें कोई भी स्ट्रेटजी है, अप डाउन आती रहेगी, मूवमेंट्स सेम चलती रहेगी, ठीक है ना, तो हर एक स्ट्रेटजी को आपको टेस्ट करना होगा कुछ टाइम पर आपने ट्रेड किया है। अगर आप देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम रहेगा वहां पर अलग रहता है, जो समर का टाइम है वहां पर अलग रहता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर अलग रहता है, तो हर एक फेज है और आपकी स्ट्रेटजी हर एक फेज, जब भी मैं कहता हूँ अगर आपको टेस्ट भी करना है तो 200-300 ट्रेड अगर आपने पूरे कैलेंडर ईयर में उसको टेस्ट किया हुआ है तो आप सभी फेज से गुजरे हुए हैं, क्योंकि हर एक फेज में अलग अलग चीजें होती रहती है, कौन से बायर्स, कौन से सेलर, कौन से बैंक्स वहां पर ट्रेड करते हैं, तो इसीलिए कुछ महीने आपके प्रॉफिट में रहते हैं, कभी लॉस में जाते हैं, आपको यही रिस्क को मैनेज करना है। पर आपको अगर आपने स्ट्रेटजी पे टेस्ट किया हुआ अच्छे से उसके ऊपर डाउट नहीं करना है, अगर आपका कोई एक दो मंथ अगर लॉस में भी चला जाता है तो उस पर ट्रस्ट रखिए, जो भी आपने टेस्ट किया हुआ है आने वाले महीने में आपके। सर क्या 4 आवर टाइम फ्रेम पे GBPUSD इनवर्स हैंड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है 4 आवर में GBPUSD में इनवर्स हेड एंड शोल्डर? सॉरी, अभी जो अगर मैं 4 आवर में देखूं तो 4 आवर में आप एक रेंज में चल रहे हैं, सॉरी
अगर मैं इन सबको हटा देता हूँ कि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है, जैसे साइड के लिए अभी जो है आप एक रेंज में चल रहे हैं, ये एरिया और ये एरिया भी जो साइड मूवमेंट यहाँ पर चल रही है, आप इसको कहें कि ऊपर डबल टॉप बन रहा है, आप नीचे ट्रिपल बॉटम बन रहा है, ठीक है ना, मैं कहूंगा अभी एक साइड रेंज है, जो रेंज है वैसे 3 बार रिजेक्शन हो चुकी है, उससे 2 बार रिजेक्शन हो चुकी है, तो साइड रेंज में अभी चले हुए हैं। सर एपी की न्यूज से ट्रेंड चेंज होता है अगर स्ट्रक्चर के साथ, डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा अनएक्सपेक्टेड न्यूज आए, ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पर इम्पैक्ट हो सकता है, जितना ट्रेडर एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा चेंज आए। मेरा ट्रेड अभी भी चल रहा है, ठीक है, अभी प्लस में है, मुझे टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। सर अब सिंपली ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हो जो कोई अदर कंफर्मेशन की देखते हैं लाइक मूविंग एवरेज, देखिए अलग अलग स्ट्रेटजी है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, और काफी स्ट्रेटजी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, कैंडल स्टिक के लिए 2 स्ट्रेटजी डाली हुई है, आपकी कंटिन्यूशन ट्रेंड के साथ, और अगर आपको काउंटर ट्रेंड करना है मैकडी के साथ, आरएसआई के साथ, चार्ट पैटर्न की डाली हुई है, तो कम से कम 8 से 9 स्ट्रेटजी मैंने वहां पर डाली और सब काम करती है, ऐसा नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सी बेटर है और आप कौन सी कॉम्बिनेशन के साथ आप उसमें कुछ चेंज करना चाहें, टेस्ट कीजिए, देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेस्ट है ये बेस्ट नहीं है, बात ये कि आपके लिए क्या सुटेबल है, जो मेरे लिए सुटेबल है मे भी आपके लिए ना, जो आपके लिए है मे भी मेरे लिए ना, तो हर एक पर्सनैलिटी आपकी सबकी अलग रहती है, आप मे भी स्विंग ट्रेडर हो और स्कैल्पिंग ना कर सके, तो हर एक की पर्सनैलिटी भी रहती है, तो वो सब चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए। ओके अंडरस्टूड, थैंक यू। ओके सर आई एम एक्साइटेड टू मीट यू इन द एलिमेंट, थैंक यू देव, या डेफिनेटली हम मिलेंगे, तो जिन्होंने भी रजिस्टर किया है तो एक अच्छा इवेंट रहेगा वहां पर मिलेंगे, काफी रिक्वेस्ट आती थी कि मिला है, तो यहाँ पर दिल्ली हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद अहमदाबाद देखना है वो कितने महीने बाद होगा, उसके बाद फिर हम साउथ में करेंगे, और अगर मौका मिला तो हम ईस्ट में करेंगे। सर मेरी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, मेरे पास 1 ईयर का बैक टेस्टेड डाटा तक ब्रेक इवन फेज में ही हो, इस फेज से कैसे निकलो, अगर हर जस्ट एक सिंपल आंसर दीजिए, अभी कितना रिस्क लगा रहे हैं आप पर ट्रेड पर? क्विकली अगर आंसर दे, हर्ष कितना रिस्क लगाते हैं आप सिंगल ट्रेड डॉलर में? बताए हर्ष ने लिखा मिनिमम 1 to 2 आवर इज टू रिवॉर्ड 100 डॉलर, ठीक है, मैं कहूंगा उसे 50 कर दीजिए, 50 का 25 कर दीजिए, वहां वहां तक आइए जब आपको लगे कि कुछ मैटर नहीं करता है, जब आप बिना उसको मतलब कि देखे बिना, आप उसको देखे बिना उसको ट्रेड को चलते थे, तो जो 100 डॉलर लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप ज्यादा लगा रहे हैं, मैं कहूंगा उसको कम कर दीजिए, 50 पे ले आइए, 25 पे ले आइए, जहां से आप कंफर्टेबल, लूजिंग से कंफर्टेबल, ठीक है, जब तक उस लेवल पे फेज पर नहीं आएंगे तो फिर आपके माइंड में वो साइकोलॉजी चलती रहेगी, क्योंकि आपने टेस्ट किया हुआ है, पर जब रियल में आ रहे हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो लूजिंग का डर है, इसीलिए वो फिर आप अभी तक ब्रेक इवन फंसे हो, क्योंकि आप लूजिंग करने से डर रहे हैं, उस डर को निकालिए, जब तक वो डर कैसे निकलेगा, ये जो 100 डॉलर की अमाउंट है उसको कम कीजिए, कंफर्ट लेवल फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। मैं कितना रखू पास करने के लिए, तो अगर आप 100 डॉलर थोड़ा और कम कर दीजिए, आप डिफाइन डिफाइन कीजिए कि मैं एमएफ का चैलेंज है 1 महीने का, मैं कितने ट्रेड लूंगा, क्या मैं 20 ले सकता हूँ, 30 ले सकता हूँ, 40 ले सकता हूँ, उसमें से मेरी विनिंग स्ट्रेटेजी कितनी है, ठीक है, कितने ट्रेड मेरे विन में जाएंगे, कितने लूज में जाएंगे, और उसके बेस पे क्या मैं अपना टारगेट अचीव कर पाऊंगा या नहीं, उस बेस पे फिर आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड निकालिए कि कितना मुझे फिर रिस्क पर अमाउंट लगाना चाहिए, पर ट्रेड लगाना चाहिए, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपके लिए। ओके गाइस कोई और ट्रेड देख रहे हैं हाफ टेन का कपूर एनजीडी यूएसडी 4 आवर टाइम फ्रेम सेल ले सकते हैं एनजीडी स्विस फ्रैंक? एनजीडी स्विस फ्रैंक 4 आवर में अभी तो सेल नहीं ले सकते, अभी तो आप बिल्कुल यहाँ पर आ चुके हैं, 4 आवर में आप बोल रहे हैं, आप जो है एक सपोर्ट एरिया के पास यहाँ पर आ चुके हैं, अब यहाँ पर सेल तो नहीं गए, ठीक है, और एनजीडी पूरी तरीके से वीक चल रहा है जो हमने करेंसी मीटर में देखा है, ठीक है, एनजीडी यूएसडी, सॉरी ओके सॉरी एनजीडी यूएसडी,
अगेन एनजेडी यूएसडी, अगर आप यहाँ पर अभी सेल के लिए देखेंगे, और मैंने आपको फोरकास्ट में क्या बोला हुआ है एनजेडी यूएसडी के लिए कि ये जो आप देखें एक ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया था, है ना, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था, मैं यहाँ पर इसमें बाय के लिए देखूंगा। और आप क्या कह रहे हैं, आप सेल के लिए देख रहे हैं 4 आवर। तो सेल के लिए आप देख रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, किस बेस पे आप देख रहे हैं? मैं तो यहाँ पर अगर देखूंगा तो अब मैं इस एरिया के आसपास बाय के लिए देखना शुरू करूँ, ठीक है? अगर आप इसमें सेल के लिए भी देख रहे होते तो फिर आप यहाँ पर देखते इस एरिया के आसपास, मैं इस एरिया में अभी बाय के लिए देखूंगा ताकि मेरा टारगेट वहां पर। अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है, इस लेवल को नीचे जाता है, फिर हम नीचे की तरफ देख सकते हैं, ठीक है? सर आप कौन कौन चीज देखते हैं फॉर एंट्री अकॉर्डिंग योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी? काफी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, जो मैं एंट्री लिया है वो लॉस में गए हैं या प्रॉफिट में गए हैं, पिछले वेबिनार जाकर देख लीजिए। जीबीपी यूएसडी क्या एंट्री थी, किस बेस पे एनालाइज किया, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, अंतरों आपको मिल जाएगा। गोल्ड का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? वासी सब किस पेयर में, किस टाइम फ्रेम में पूछ रहे हैं? मे बी आप 5 मिनट में पूछेंगे अप ट्रेंड होगा, 1 आवर में पूछेंगे डाउन होगा, 4 आवर में, तो कौन से टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, ठीक है ना? जब तक आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट भी ठीक है, ठीक है ना? वो एप्पल से संतरा मैं आपको डेली में बताना शुरू कर दूं और आप कह रहे हैं मैं 5 मिनट में देख। नॉर्मली अगर आप देखें, अगर जो मैंने फोरकास्ट में भी आपको बताया था, गोल्ड गोल्ड अगर 4 आवर में आप देख रहे हैं तो ट्रेंड आपका अप चल रहा है, ठीक है? यहाँ पर पुल बैक के लिए मैंने बोला था कि अगर कुछ एंट्री मिलती है तो आप देखेंगे और फिर टारगेट फिर उसके आसपास। तो अभी मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, देखिए अगर कुछ एंट्री मिलती है यहाँ पर तो फिर आप देख सकते हैं। तो अभी डाउन है, यहाँ तक कहीं पर भी आपको बेस्ट मिल सकता है, आप ले सकते हैं। सर एक प्रॉब्लम है, जब ट्रेड नहीं मिलता है तो ऐसा फील होता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और मैं अपनी स्ट्रेटेजी में ही लो क्वालिटी ट्रेड में फंस जाता हूँ। डेफिनेटली देखिए, ट्रेडिंग को यहाँ पर आप एक्साइटमेंट बोल रहे हैं, और एक्साइटमेंट ट्रेडिंग में नहीं। अगर यहाँ पर आप इसको एक्साइटमेंट होने है कि मुझे ट्रेड करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर ये आपके लिए गलत फील्ड हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक्साइटमेंट मत ढूंढिए, एक्साइटमेंट कहीं और फाइंड आउट कीजिए जहां पर आपको एक्साइटमेंट हो। कुछ गेम खेलिए, म्यूजिक सुने, कुछ और करें जहां पर आपकी जो इमोशंस है एक्साइटमेंट वो फुलफिल हो जाए। ट्रेडिंग में ये एक्साइटमेंट है, अगर नहीं मिल रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ट्रेडिंग को बोरिंग रहने दीजिए, और जितनी बोरिंग रहेंगे उतना बेटर। गोल्ड के लिए डॉलर इंडेक्स फॉलो करता हूँ, ओके कर सकते हैं। तो 4 आवर में आपको बताया मैंने गोल्ड में, तो अभी अप ट्रेंड आपका चल रहा है, ठीक है? तो अगर आप इसमें एंट्री के लिए देखेंगे अभी 4 आवर में, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो डेली में आप आ गए, यहाँ पर 4 आवर में आप देखिए तो आपका ट्रेंड, आपके हायर हाई यहाँ पर बन रहे हैं, आप अप ट्रेंड में, ओके ओके। और किस तरह फॉरेक्स के अलावा क्रिप्टो और स्टॉक में भी ट्रेड करते हैं? स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए है, और क्रिप्टो में भी कभी कभी, नॉट नॉट ऑलवेज। जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो अच्छा आपका फॉलो होता है, आपका जो कमोडिटीज या फॉरेक्स। अगर मैं बिटकॉइन देखूंगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है गाइस, क्या देखेंगे आप, है ना? और ये 4 आवर की कैंडल देख रहे हैं, अगर कोई एक ही पेयर बिटकॉइन लेके ट्रेड करता हो तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको, ये कब से है, 3 मार्च से, और आज हम कहां पर हैं, 6 मार्च में, तो 3 दिन तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर आप देखिए। और ये 4 4 आवर की कैंडल है, जस्ट अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो इसमें एकदम से मूव आते हैं और फिर डेड हो जाते हैं, एकदम से मूव आते हैं फिर डेड हो जाते हैं। तो अच्छे से प्राइस स्ट्रक्चर इतना अच्छा फॉलो नहीं होता है, तो मैं इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करता। हाँ सर मैं तो फोरेक्स से पक गया हूँ, पर छोड़ना भी नहीं चाहता। ओके स्टीवन, अगर आप पक गए हैं तो जरूरी नहीं कि आप इसको ट्रेड कीजिए, ठीक है? बहुत सारी और चीजें हैं, आप स्टॉक में चले जाइए, क्रिप्टो में चले जाइए, सीएफडी देखिए, स्टॉक्स में देखिए। प्रियंका, ओके सर थैंक यू फॉर टाइम, आई विल मेल यू फॉर दिल्ली मीट, आई हैव टू गो एज माय डॉटर इज गेटिंग रेडी। ओके गुड, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड यस डेफिनेटली रजिस्टर कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो ईमेल में मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने भी रजिस्टर करना है। कुछ स्पॉट्स अवेलेबल है तो forexrally.india@gmail.com पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स अवेलेबल होंगे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, आप फीस पे करेंगे 100 रुपीज जस्ट, और आप रजिस्टर कर सकते हैं। ओके ओके गाइस, हमारे पास टाइम है अभी भी 10 मिनट्स के आसपास। कोई और क्वेश्चन, कोई और पेयर्स को देख रहे हैं? मेरा ट्रेड क्या चल रहा है, पाउंड यूएसडी अभी ठीक चल रहा है, मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है, मेरे टारगेट के पास आ चुका है, ठीक है? यहां से कई बार रिजेक्शन दे चुका है, पर देखते हैं।
और कोई गाइस, और कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? सर, क्या हम ट्रेडिंग को एज ए कैरियर देख सकते हैं? दे सकते हैं, डेफिनेटली देख सकते हैं। मुझे तो ये सबसे बेस्ट लगा, इवन मोर देन स्टॉक और समथिंग एल्स। सिंपल बाय सेल, कोई ऑप्शंस ये नहीं, कोई मार्जिन का इशू नहीं। हाँ, प्रॉब्लम ये है, बिगिनिंग में आप स्टार्ट करेंगे तो बिगिनर ट्रेडर के ये प्रॉब्लम है कि ट्रेड कब करें। 24 आवर अवेलेबल। अगर मैं स्टॉक में स्टार्ट करता हूँ और मैं बिगिनिंग में हूँ, अगर मैं लूज भी करता हूँ, अगर मैं एक तरीके से कहूँ स्टूपिड बन रहा हूँ, तो 6-8 घंटे के लिए होता है ये, 24 आवर है, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा बिगिनिंग। तो इस चीज को कंट्रोल करना है अपने आप पर कि कब ट्रेड करना है, कितना ट्रेड करना है, मिनिमाइज करना है। तो 24 आप इसके आगे बैठे रहेंगे पागल हो जाए। सर, मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, अगर ट्रेवल टिकट मिला तो जरूर आऊंगा। ओके आशीष, कहाँ पर हैं आप? क्या दूर से आना है आप? सर, अहमदाबाद वेबिनार कब होगा? वो अपडेट हो जाएगी। अभी हमारा प्लान क्या था कि हम दिल्ली अहमदाबाद बैक टू बैक करना था, पर वो थोड़ा कैंसिल हो गया, तो अहमदाबाद थोड़ा डिले होगा। जब भी होगा अपडेट आ जाएगी। ओके सर, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है बिकॉज आई कांट अटेंड मीटिंग इन दिल्ली जस्ट बिकॉज मुझे खुद को पैसे खुद के पैसे से आना है। ट्रेडिंग से अर्न करूंगा और जरूर नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करूंगा। ओके अविनाश, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ज्यादा दूर रहते हैं तो अगर टिकट के आप अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो आपको जैसे 100 रुपीज फीस है, कुछ ज्यादा नहीं। वो भी मैंने इसलिए लगाई हुई है ताकि मुझे कंफर्मेशन हो सके कौन कौन वहां पर आ रहे हैं। अगर आपको इवेंट पे आके लगता है कि मेरे 100 रुपए वेस्ट हो गए, मुझसे वहीं पर कह देना, मुझे 100 रुपीज वापस कर दीजिए, मुझे फायदा नहीं हुआ। ठीक है, यूएस ऑयल के लिए क्या फॉलो करना चाहिए? लाइक ESI फॉरेक्स कर सकते हैं अगर आप कोरिलेशन में जाना चाहते हैं। ठीक है आशीष, बड़ौदा गुजरात, तो आशीष हम गुजरात में करेंगे, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आप वहां पर टिकट लेके यहाँ पर इतना खर्चा करके आए। ठीक है, तो जब गुजरात में होगा तब तो वहां पर कर लीजिए। ठीक है। ओके हर्ष, देखते हैं बिहार में भी, पुणे से भी, तो प्लान है साउथ में भी इसके बाद। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली पहले जैसे मैंने बोला, नॉर्थ में 2 सिटी सिलेक्ट किया, मैंने पोल किया था ना वहां पर, मैंने अहमदाबाद और दिल्ली का नॉर्थ में सबसे ज्यादा उसको ही मिला। तो साउथ के लिए भी मैं इसी तरीके से पोल करूंगा टेलीग्राम पर, किस सिटी को ज्यादा वोट मिलेंगे वहीं पर हम डिसाइड, तो आप ही डिसाइड करेंगे गाइस, मैं नहीं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ करना है। नॉर्थ के लिए मैंने आपको 5 या 6 सिटी दी थी जो पोल किया था टेलीग्राम पर, जहां पर सबसे ज्यादा वोट होंगे वहीं मैं सिलेक्ट करूंगा। उसी तरीके से फिर मैं साउथ में और बाकी जगह पर करना होगा। आपको 5 या 6 सिटी के ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसी को सिलेक्ट किया जाए। ओके, काफी क्वेश्चन जल्दी आ रहे हैं, वेट नहीं करना है मुझे, 10,000 इन्वेस्ट करना है अप्रैल मंथ। देखिए आशीष, जल्दबाजी यहाँ पर मत कीजिए, आप आराम से रहिए। यहाँ पर जो जल्दबाजी करते हैं उन्हीं को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उन्हें लगता है हम कुछ मिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं नहीं जा रही है। 24 आवर है और हर दिन ट्रेडिंग होती है, तो आप रिलैक्स होके चलिए, ये मैराथन के लिए चलिए। ठीक है, रियलमी मुझे लखनऊ कब आएंगे? देखिए अगर लखनऊ में भी हुआ तो जरूर देखिए। सर, यू आर माई आइडियल फॉरेक्स रीडर। थैंक यू अरविंदर, मैं इस काबिल नहीं हूँ, पर अगर आपको लगता है कुछ सीखते हैं तो थैंक यू। आलोक राज, ट्रेडिंग सीखने का बेस्ट वे प्लीज। ट्रेडिंग सीखने का बेस्ट वे, देखिए पहले तो आप पहले बेसिक्स चीजें सीखिए, तो जस्ट सिंपल एक कार चलानी है, मुझे पहले पता होना चाहिए कि स्टेयरिंग कहाँ है, टायर क्या है, तो जो बेसिक चीजें हैं वो चीजें आप सीखिए, वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी कि क्या सिस्टम यूज करना है, क्या सॉफ्टवेयर यूज करना है, एंट्री कैसे लेनी है, ये सब चीजें आपको किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर बहुत मटेरियल है जहां पर आपको ये सब चीज मिल जाएंगी। अब स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करनी है, उसके लिए फिर आपको मेंटर देखना चाहिए, या फिर यूट्यूब से भी आपको काफी चीजें जो डेमो के लिए आती है, मेरे YouTube चैनल पर भी काफी चीजें मैंने डाली हुई है, जो स्ट्रेटेजी डाली हुई है उनको टेस्ट कीजिए, देखिए। क्योंकि 3 चीजें हैं गाइस जो मैंने पिछले वेबिनार में भी बताया था, अगर ट्रेडर को सक्सेसफुल होना है क्या चीजें चाहिए। अगर वो नहीं आपने वेबिनार देखा है, देखिएगा पिछला वेबिनार, वहां पर उसका टाइटल भी होगा। ठीक है सर, अगर आप गुजरात में प्लान कर रहे हैं, वडोदरा लोकेशन का है, तो आई विल हेल्प यू टू मैनेज ऑलरेडी। थैंक यू आशीष, मुझे अहमदाबाद के लिए था और मुझे कुछ पर्सन को देखना था अरेंजमेंट के लिए, तो मुझे इंस्टा पर कांटेक्ट कीजिएगा अगर आपको कोई अहमदाबाद में कोई जानने वाला हो, तो मैं वो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा मेरे। ठीक है आशीष, तो इंस्टा पर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट इज स्केल इन मेथड? आपने एक वीडियो में बताया था स्केल इन मेथड। आजाद, जब आप बार बार एंट्री लेते हैं, मतलब कि आपने रिस्क को तो मैनेज किया, आपने यहाँ पर एक एंट्री ले ली, अगर मैं इस प्राइस पर देख रहा हूँ मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली और मेरा सेटअप वैलिड हुआ है, कि मतलब अब वो प्रॉफिट में जा रहा है, तो मैं यहाँ पर उसमें और स्केल इन करूंगा और उसमें अपने लॉट को एंटर करूंगा। क्या होता है, कट योर लूजर्स रन योर प्रॉफिट।
प्रॉफिटेबल ट्रेड, सो जो आपके प्रॉफिटेबल है आप उनमें ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जो लॉसिंग वाले हैं आप उनको कट करेंगे। तो जिस वीडियो में बताया था वहां पर आपको डिटेल में समझाया हो। सर मैं इसमें डेली नेटिंग जा रहा हूँ, आपकी मीटअप अगर आफ्टर 26 होगा तो कैसे भी मैं ज्वाइन करूंगा, अभी तक मैंने रजिस्टर नहीं किया है, आई एम ऑल्सो योर स्टूडेंट। तो रजिस्टर कर लीजिए सुब्रमण्यम, अगर आप पहले बता देंगे कि ये डेट जब फाइनल होगी नहीं कर पाएंगे तो आप मेरे से 100 रुपीज वापस के लिए मांग सकते हैं, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा अगर आप पहले बता देंगे कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। देव सर, सर आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू देव। सिंप्लीफाई है बस, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश यूएसडी डॉलर में रिस्क रिवॉर्ड कैसे डिसाइड किया, इज दिस सपोर्ट बेस्ड ट्रेड ब्रिटिश यूएस और जीबीपी यूएसडी? ओके, हाँ देख, रिस्क रिवॉर्ड देखिए आपके कैपिटल उसके बेस पे आप डिसाइड करेंगे आप कितना मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, 2%, 3%, 5%, हर एक का अलग अलग होता है। मरिंद्रा सर मैं अभी ब्रेक इवन फेज में हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही अपना करियर बनाना चाहता हूँ, आप इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में रहकर ट्रेडिंग करते? देखिए मैं इंडिया में रहता हूँ पर मैं ट्रेवल करता रहता हूँ बाहर, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें कैरियर नहीं बना सकते, बना सकते हैं, कुछ अगर प्रॉब्लम आती है ब्रोकर से तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन आते रहे। ठीक है, यूरो यूएनजीडी 4 आवर सेल, चलिए एक लास्ट डेट देख लेते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। यूरो यूएनजीडी स्टेवन पूछ रहे हैं, स्टीवन स्टीवन आपने कमेंट किया था कि आप तो पक चुके हैं इससे, तो अब आप इसको बार बार क्यों देख रहे हैं ना, तो यूरो यूएनजीडी में हम चलते हैं, यूरो यूएनजीडी 4 आवर सेल। आप इसे काउंटर ट्रेंड यहाँ पर देखने के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर हम रेसिस्टेंस के पास आ चुके हैं। ठीक है, ट्रेंड आपका अब चल रहा है, क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे कि आप इसको सेल करना है, या तो आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग जैसे ये रेसिस्टेंस पे आ चुका है आप इसको सेल करेंगे? मैं कहूंगा थोड़ा रिस्की रहेगा। ठीक है, तो काउंटर ट्रेंड अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको सेल करें। देखिएगा क्या ये पहले ट्रेंड ये डिसकंटिन्यू होता है, ये ट्रेंड रिवर्स होता है, उसके बाद फिर आते डबल टॉप मिले उसके, ऐसा कुछ। सर एज यंग ट्रेडर हम किस पेयर पर मोस्टली ध्यान देना चाहिए, अगर आप बिगिनर हैं स्टार्ट करना चाहते हैं मैं कहूंगा मेजर से स्टार्ट कीजिए, यूरो जीबीपी यूएसडी यूएसडी जापानीज येन जीबीपी जेपीवाई, इन पेयर में स्ट्रक्चर अच्छे से फॉलो होता है, आप अगर 5 या 6 मेजर पेयर जिसमें यूएसडी कॉमन है वो आपके लिए बेटर रहे। सर आपका खुद का कोई इंस्टाग्राम आईडी है? देखो खुद का जो मेरा है वो पर्सनल यूज के लिए करता हूँ, तो मैं पर्सनल चीजें पर्सनल रखता हूँ, मैं फोन नंबर भी नहीं शेयर करता हूँ ना ही इंस्टा से मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ, तो काफी फेक चैनल है जो बने हुए हैं तो उनसे बच के रहिएगा, और मैंने यहाँ पर क्यूआर कोड भी डाले हुए हैं, अगर आपको जो ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, टेलीग्राम का है ये, वेबसाइट का है ये, यूट्यूब है और ये फॉरेक्स ये आपका इंस्टाग्राम का है, तो जो मेरी पर्सनल लाइफ है मैं उसको पर्सनल रखना चाहता हूँ, तो ज्यादा मैं उस पर नहीं करता हूँ ना ही मैं फोन कॉल्स लेता हूँ, अगर मैं रिप्लाई भी करता हूँ वो ईमेल के थ्रू ही करता हूँ या इंस्टाग्राम पर चैट पर जब टाइम होता है, रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिलेगा भले ही थोड़ा लेट होगा पर मैं कोशिश करता हूँ कि सभी को रिप्लाई दूँ, और अगर मैं फोन नंबर दे लूंगा तो मेरी ट्रेडिंग में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, मैंने बिगिनिंग में किया था और मेरे साथ इशू आया था, तो मैं फिर जस्ट उसको बैलेंस करने के लिए और कुछ नहीं है, और इसका और कोई मतलब नहीं है कि मैं जस्ट कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो हमारा टाइम ऑलमोस्ट अप हो चुका है, तो जैसे मैंने बोला नेक्स्ट वीक तक हमें अपडेट आ जाएगी, नेक्स्ट वेबिनार में मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि कब कहाँ पर हमारी जो कौन सी डेट फाइनल हुई है, और जो भी अपडेट होगी मेरे पास आपको मैं अपडेट कर दूंगा, और क्या वेन्यू रहेगा, अगर रजिस्टर करना है आप कर सकते हैं, ईमेल यहाँ पर मैंने दी हुई है forexsalary.india@gmail.com, अगर आपको रजिस्टर करना है कुछ स्पोर्ट्स अवेलेबल है, और अगर टिकमिल में अकाउंट है तो डेफिनेटली आपको प्राइज मिलेगा, तो मुझे एक ईमेल कर दीजिए कि टिकमिल में मेरा अकाउंट ये अकाउंट है तो मैं आपको कंसिडर करूंगा, तो मुझे वहां पर ईमेल में बता दीजिएगा कि ये मेरा टिकमिल में अकाउंट है और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर मैं आपको प्राइज के लिए भी कंसिडर, तो ईमेल पे मुझे आप अपडेट कर सकते हैं ताकि जब वहां पर प्राइज दिए जाए आपको ऊपर दिया जाएगा। ओके अंगेश, मुझे ईमेल में बता दीजिएगा ताकि जो मेरी लिस्ट हो मैं उसमें वहां पर अपडेट कर सकूं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन जो जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया, हम नेक्स्ट मंडे मिलते हैं, और हैप्पी होली, विश यू हैप्पी होली अमरिंद्रा इन एडवांस, और एंजॉय कीजिए, सबसे बेस्ट फेस्टिवल है, अंग्रेज कहते हैं कि आज के दिन हिंदुस्तानी पागल हो जाते हैं, तो पागल हो जाइए, एंजॉय कीजिए, ट्रेडिंग से ब्रेक लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में और आपको और अपडेट देते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू।